हेलो एवरीवन, आज हम एक हेल्दी सूप बनाते हैं। सहजन का सूप यानी ड्रमस्टिक का सूप बनाते हैं और ये बनाने में बहुत ही आसान है। सहजन को हमें साफ करके इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन से भरपूर होती है। अब इसे हम 2 से 3 बार पानी से धो लेते हैं। हमें इसमें 1 गिलास पानी डालना है और 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाना है। हम इसे अच्छी तरह से मिलाकर इसे कुकर में हमें 3 से 4 सीटी मारने के लिए रख देना है। ये कुकर में मैंने 3 से 4 सीटी कर दी है। अब देखो ये कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। बस अब इस तरह से हमें इसे थोड़ा सा अलग करके और इसे मिक्सर में हमें घुमा लेना है। बहुत ही आसानी से मिक्सर में उसका पल्प हो जाएगा। अब पानी भी उसका सारा ले लीजिए। ये देखिए, ये अच्छी तरह से पल्प हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से छन्नी में लेकर उसे छानकर उसका पूरा पल्प निकालना है। ये ज़रा भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत आसानी से ये पल्प अलग हो जाता है। आप चाहे तो ये पल्प सांभर में भी डाल सकते हैं। ये जो बाकी का बचा है उसमें भी मैं पानी डालकर सब अच्छी तरह से इसका पल्प निकाल रही हूँ। ये पल्प सांभर में डालने से सांभर हेल्दी और टेस्टी दोनों हो जाएगा और बच्चे जो सिंगफली खाते नहीं हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है कि उन्हें खिला सके हम ये पल्प। ये पूरा पल्प बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम इसका सूप बनाते हैं। यहाँ पर हमें 1 चम्मच ऑयल लेना है। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप बटर भी ले सकते हैं। उसमें मैंने 1/2 चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला है। उसे हमें थोड़ा सा भून लेना है। अदरक और हरी मिर्च अच्छी तरह से भून जाए तो अब हम इसमें ये पल्प डाल देंगे। यहाँ हम 1/2 नींबू का रस डालेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर देना है। हमें यहाँ पर कोई कॉर्नफ्लोर की स्लरी या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसे इसी तरह पीना है। इसलिए जब आप इसका पल्प बनाते वक्त उसमें ज़्यादा पानी ना डालें। हमें इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। हमने सॉल्ट पहले से डाला हुआ है तो यदि आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं, पर बस ये उबल जाए तो इसका मतलब कि बस ये सूप तैयार है। आप इसमें बॉइल्ड कॉर्न, बॉइल्ड गाजर वो भी डाल सकते हैं। तो ये हेल्दी सहजन का सूप तैयार है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।